ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। देखो, मैं उनकी बात समझता हूँ, जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। हाँ, लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के रिएक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खत्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया, बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ। कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ आप कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अति उठाओगे? इतना जिगर है आप? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्न लिल्ला है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो।